जहां पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस सड़क पर उतर चुकी है, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं महंगाई और तमाम चीज़ों को लेकर, वहीं संगम नगरी प्रयागराज में पूरब का एक्सपोर्ट कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र अपना आंदोलन कर रहे हैं। इनकी तमाम मांगे हैं, सबसे प्रमुख मांगे इनकी ये है कि जो यहाँ पर छात्रवृत्ति हुई है उसको लेकर छात्र सड़कों पर आ गए हैं, कैंपस परिसर में अपना विरोध कर रहे हैं और अधिकारियों के पास जा रहे हैं, डीन के पास जा रहे हैं, अपनी बात को रखने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात अभी तक नहीं मानी जा रही है। किस तरह से आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है और क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि जो फीस वृद्धि बढ़ी है 400% की फीस वृद्धि एक बार में बढ़ा दी गई है उसको वापस किया जाए, और अब हम लोगों ने ज्ञापन आक्रमिक अनशन ये सब करके संतुष्ट हो चुके हैं। इनके गूंगी कानों तक कोई भी आवाज़ नहीं जा रही है, और जब गूंगी कानों तक आवाज़ नहीं जा रही है तो उन बंजर कानों को सुनाने का तरीका भी हमें मालूम है। हम आज से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर पूर्णकालिक धरने में बैठेंगे, अनशन बैठेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे, और ये हमारा आखिरी सांस तक लड़ाई जारी रहेगी। अगर इससे भी ना माने ये तो हम ये आक्रमिक अनशन आमरण अनशन पे भी जरूर बदल जाएगा। ये एबीवीपी के छात्र हैं, किस तरह से आप लोग आंदोलन पे हैं अपने और किस तरह से ये आंदोलन चल रहा है और कितने दिनों से चल रहा है? जी देखिए, जब से फीस वृद्धि हुई है तब से इलाहाबाद विश्वविद्यालय इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कुलपति और तमाम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से उनको चेतावनी देता रहा है। जब ये विवश हो गए, जब छात्रों की आवाज़ को नहीं सुने, तब इलाहाबाद विश्वविद्यालय इकाई अभावी अब पूर्णकालिक अनशन पर बैठ गई है। अब ये आंदोलन अंतिम दम तक लड़ेगी, ये सड़क से संसद तक अगर ये लड़ाई लड़नी होगी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। तो ये लगभग 1.5 महीने से छात्र अपने परिसर के अंदर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, जो भी यहाँ के डीन हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे ये मांग रख रहे हैं कि यहाँ पर जो फीस वृद्धि छात्रों के साथ हुई है, तमाम महंगाई है, उसके बाद फीस वृद्धि अपने आप में एक बोझा डालता है, उसको लेकर 1.5 महीने से यहाँ पर इनका अनशन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कई छात्रों की यहाँ पर हालत गंभीर हुई जिनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया, लेकिन प्रशासन को जू तक नहीं रेंग रही है। संगम नगरी प्रयागराज से पंकज चौधरी, न्यूज़ 24।